ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੰਬੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਸਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਖੰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਣੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਸ਼ਾਇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੇ ਮਿਲਿਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਾ ਸੇ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸੇ ਲੱਭੀ ਬਿਜਲੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ ਖਪਲਾ ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਟਕਾਇਆ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੀ ਬਲਬ ਲੋੜਨੇ ਪੈਣੇ आज 5 साल का अरसा जो मेरे साथियों ने बता दिया है हम यही इंतजामी से अपील करते हैं जल्द से जल्द हमारी जो मुश्किल है उसको हल किया जाए और हम बगैर लाइट के जो बिल हैं वे सब गरीब लोग भर रहे हैं और 10 दिन के बाद ही बिल आ जाती है लेकिन लाइट का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर ज़िला इंतजामिया में PDD डिपार्टमेंट ने हमारे साथ जो छल कपट किया है 2018 के दिसंबर में हमें यहाँ खंभे दिए गए आ गया जी कि हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं आप अपनी गाड़ी लाएं और रेंट पर अपनी गाड़ी ले जा करके खंबे ले जाएं। मैं यहां से 5-7 लोग लेके गया यहां हमारे साथ एक मोतबर शख्स हैं सरवर हुसैन साहब वो भी गए और यहां से हम लोग गए राजौरी उनने कहा गाड़ी आपको अपनी करनी पड़ेगी हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है हमने 3500 रुपये रेंट पर गाड़ी वहाँ से की मैंने अपनी जेब से वो पे किया और उस दिन जुमे का दिन था हमने पूरा दिन लगा करके खंभे वहाँ से लोड किए यहाँ अनलोड किए यहाँ एक लाइनमैन मिस्त्री हैं हमारे मजीद साहब उनके घर के सामने अनलोड करके उनके हवाले 28 खंभों की जिसमें 11 kV के भी थे और LT के भी वो खंभों की रसीद मैंने उनके हवाले की उसके बाद इन गांव वालों ने जो इस वक्त कुछ जवान यहाँ मौजूद नहीं अपने कारोबार के लिए निकले तो सारे लोगों ने ढोकर ये खंभे हर जगह पर पहुंचा कर जहाँ जहाँ लगाने थे दिए महकमे को उसके बावजूद चंद खंभे लोगों ने खुद खड़े किए हैं और कुछ खंभे जो है वो बिजली डिपार्टमेंट ने 11 kV की जो लाइन लगाई है नीचे से आपने मुलाहजा किया है ये खंभे जो है इनमें से कुछ खंभे गिर भी गए हैं ये 28 खंभे थे मगर इनकी किसी ने बाज़ पुछ दोबारा नहीं की उसके बाद मैंने यहाँ से सरपंचज़ और नायब सरपंच वगैरह को और इन बुज़ुर्ग हस्तियों को मैंने 10 से 12 बार तकसीन साहब के पास ले जाता रहा तो कभी 3 दिन का हमारे साथ वादा करते रहे कभी 4 दिन का कभी 10 दिन का कि ट्रांसफार्मर और मटेरियल आपको दिया जाएगा फिर कभी कहा जी हमने मटेरियल दे दिया है आपको लग जाएगा 2-4 दिन में कभी एक पर्ची एक्शन साहब बनाकर दे देते कि ये पर्ची आप जई साहब को दे दो तो फिल फोर लग जाएगा फिर वो पर्ची हम जई साहब को देते इसहाक साहब उस वक्त यहाँ जई होते थे नहायत ही सुस्त किस्म के इंसान के कभी भी उन्होंने दयानतदारी से हमें नहीं बताया कि इस मामला को क्या किया जाएगा और क्यों नहीं ये लग रहा है इस सूरत हाल में मैं ये गुजारिश करता हूँ आप लोगों के तवसत से कि 2018 दिसंबर से लेकर के 19 भी गया 20 भी गया 21 भी मोदी जी का डिजिटल इंडिया इस कदर जो है यहाँ पर तरक्की पसंदाना तरीके से आप देख रहे हैं क्या हालत है इस इलाके की यहाँ कुछ लोगों ने खंभों के बगैर लकड़ियों पर अपनी बिजली बांधी हुई और गुजारा फिर भी बिजली नहीं 374 रुपया फी घर के हिसाब से हम बिल दे रहे हैं 374 रुपया महीने के भरने के बाद भी हमें एक हफ्ता भी बिजली मैसर नहीं आती जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकें कोई इधर उधर जाता है दुकानों पर तो लोग जा करके चार्ज दूसरी जगह से करके लाते हैं क्योंकि एक ट्रांसफार्मर बहुत दूर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रोड के नज़दीक है उससे यहाँ तक जो है कुछ खंभों पर बिजली लटकाई थी इन्होंने और लकड़ों पर ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर हम 3 साल से तशना लगी